आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस सॉर्टिंग। तो एडवांस सेक्शन में बात करेंगे एडवांस सॉर्टिंग की। तो सबसे पहले हम, क्योंकि कल की क्लास में हमने सुनील जी और रवि जी हमने डिस्कस किया था कि सॉर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हमने कई सारे टॉपिक की थी तो हमने सॉर्टिंग पे जाके छोड़ा था। तो सॉर्टिंग में हमने बताया था आपको कि डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं, कस्टम सॉर्ट और बाकी सारे ऑप्शंस आपको हम समझा दिए थे जो मैनुअली था। अब हम बात करते हैं तो कुछ ट्रिक्स की, सॉर्टिंग से होने वाले कुछ ट्रिक्स, कुछ चीजों के बारे में। तो सबसे पहला हमें जानना चाहिए, करना चाहते हैं कि हर एक लाइन के नीचे एक ब्लैंक लाइन मुझे ऐड करना है। हर एक लाइन के नीचे एक ब्लैंक लाइन को ऐड करना है। तो 10 या 12 20 हो तो आप ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा हो तो काफी समय, 3000 रो वन बाय वन इंसर्ट करने में आपको घंटों लग सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक कॉलम में सीरियल नंबर को लिखेंगे, एक कॉलम में हमने सीरियल नंबर को लिखा, ओके, और फिर इस सीरियल नंबर को हम कॉपी करेंगे और इसी के नीचे हम पेस्ट करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है कि जब हम डेटा को सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे, ये जो डेटा हमारा है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, ये देखिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे, तो पहला वन आपका डेटा है, तो ये जो वन है नीचे भी हमारा वन जो है रिपीटेड है। एक काम करता हूँ, इसको एक छोटा डेटा पे करता हूँ, तो अभी इफेक्ट समझ में आएगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी बड़े डेटा पे। छोटा डेटा लेता हूँ, 100 कॉलम की डेटा लेता हूँ, रोकिएगा सर। कुछ कॉलम में हटा देता हूँ, ओके। ये हमारा, हमने सीरियल नंबर ऐड किया, अब इसी सीरियल नंबर को मैं कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जब हम सॉर्ट करेंगे सीरियल नंबर अकॉर्डिंग, तो ए वन उठ के यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, तो ये अकेले तो नहीं आएगा ना सर, ये जाएगा तो पूरा रो लेके जाएगा क्या रवि जी? जी, पूरा रो के जाएगा, तो इसका तो पूरा ब्लैंक रो है, इस ब्लैंक रो उठ के यहाँ इसके नीचे आ जाएगा इस। क्लियर है? यही सेम प्रोसीजर हर एक नंबर के लिए हुआ, क्योंकि हर एक नंबर रिपीट है। इसको हम सिलेक्ट करके शॉर्ट करते हैं, कस्टम शॉर्ट और यहाँ शॉर्ट वाइस सीरियल नंबर, बाद में सीरियल नंबर को आप डिलीट कर दो। तो आपका काम जो घंटों लग सकता था उसको हमने चंद सेकंड में कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि हम लोगों के पास कभी ऐसा डेटा आता है जिसमें काफी रो, ब्लैंक रो होते हैं, तो हमें फिल्टर के उसकी ब्लैंक रो को डिलीट करना होता है। मोस्ट लोग क्या करते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं और फिर उसको एक एक मैंने फिल्टर करके फिर ब्लैंक को फिल्टर करते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। और इस पे हमने फिल्टर लगाया यहां से और फिर यहां से हमने ब्लैंक को सिलेक्ट किया, फिर इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ऐसे मैनुअली डिलीट करते हैं तो इससे किसके पीछे का डेटा डिलीट होने के चांसेस होते हैं, और डेटा अगर 10-20 हजार में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डेटा आपका अगर 1-2 लाख या 5 लाख के ऊपर है तो काफी हैंग करेगा सिस्टम आपका, ओके। उसका सोल्यूशन ये है कि हम डेटा को शॉर्ट कर लेंगे, हम डेटा को शॉर्ट कर लेंगे किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए एसआईडी है, इसी के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट कर लिया। तो शॉर्ट होने पे हमारा रो डिलीट नहीं होगा, हमारा रो मूव होकर नीचे चला जाएगा, जो ब्लैंक आपके रो थे वो देखिए नीचे आ गए, देखिए ना सर। अब रवि जी,
चलिए आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। अभी हमने बताया कि हम एक के नीचे रो इंसर्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे हर तीसरे के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना जी है। ऐसा क्यों करना है कि मान लीजिए ना कि आपने डेटा जहां से कॉपी पेस्ट किया है उसमें आप हर मतलब कि हर प्रोडक्ट रिपीटेशन है, तीन तीन सपोज रिपीट। करो कि जो हेडर है, हेडर ही रिपीटेशन है, हाँ मतलब हर 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 हाँ हर 10 लाइन के मतलब बाद में मेरा हेडर रिपीट होता है, सपोज करो। हाँ रिपीट होता है, मुझे उसमें सम वगैरह का फॉर्मूला लगाना है, कुछ और करना है, तो हर तीन के जी बाद या पांच के बाद या 10 के बाद या 15 के बाद मुझे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, कैसे करूँ? तो सपोज करो 10, 3 के बाद में करना, तो 1, 2, 3 लिखा और फिर रिपीटेशन आपने जो बताया मेरे को। सुनील जी समझ में आ रहा है आपको? समझ रहा हूँ सर मैं। नहीं जो अभी इन्होंने बोला वो समझ में आया आपको? नहीं सर, रवि जी नहीं समझ में आया, नहीं, आज ऑनेस्टली तक आप स्पीकिंग टीचर मैं नहीं बन नहीं। पाए, इसीलिए आप टीचर नहीं बन पाए। अच्छा क्या एक नहीं बोला आपने टीचर। सही करे हो। नहीं जो जो आप बतरिया बता रहे हो गलत है। अच्छा आप ये बोल रहे हो ना कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखूंगा इस तरह से, ये हाँ 1 2 3 जी तो मुझे हर नंबर पे 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ जी, तो मैनुअली हो गया ना सर, तो मैनुअली हुआ। जो मैं 1 2 3 लिखूंगा तो अच्छा मैं एक ब्लैंक को इंसर्ट ना मार दूं। सर 3 नंबर लिखने के बाद एक ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद उसको वो कर देंगे, ऐसा क्या बोलते हैं, शॉर्ट कर देंगे सर। मुझे जैसे एक से एक तीन लिख सीरियल दिया नंबर उसके लिख बाद। मुझे एक सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा हाँ बात ये है ना, ओ। सीरियल नंबर लिखना पड़ रहा है ना, वो तो बताया ठीक है, लेकिन सीरियल नंबर नहीं वही तो लिखना, बोला कि रिपीट नहीं करना। मैं 1 2 लिखूंगा ब्लैंक छोड़ू, उससे अच्छा ब्लैंक इंसर्ट ना कर दूं इस तरह से, ऐसा हाँ, पड़ेगा ना। इजी रहेगा। यस हाँ सर, आओ बताइए और सोचिए। सुनील जी आप भी सोचिए, इंक्लूडिंग यू, आप भी इंक्लूडेड है। सर, एक जो एक का है ना, एक को 3 बार लिखेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे तो सीरियल वाला अपने आप पहुंच जाएगा, एक दो दो करके 3 कॉलम का। राहुल यादव जी, लग रहा है आपने मेरा वीडियो देखा था ना। पीयूष मित्तल जी आप रिकॉर्डेशन रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? सर मैंने रिकॉर्ड करा तो था, Alt+R प्रेस कीजिए। देखिए हो गया सर चालू। राहुल जी ना, एक मिनट देखता हूँ आपके नाम लग गया, आपके नाम के सामने रिकॉर्डिंग का सिंबल आ जाता है ना, इसलिए देखिए सर तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, एक को 3 बार लिखेंगे, लिख रही है, उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई तीन। करेंगे ऊपर +1। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ तो 2 3 बार आएगा और 3 3 बार आएगा, दिख गया? दिख रहा है आपको रवि जी या सुनील जी? यस सर जी जी तो हमने फॉर्मूला बस लगा दिया। हाँ हमने क्या किया, एक नंबर स्टार्टिंग नंबर को 3 बार लिखा, इसको प्लस कर दिया सबसे ऊपर वाले में 1, तो 3 बार 1, 1+1, 1+1, 1+1, फिर यहां पे जब आएगा तो मेरा ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा 2+1, ठीक है सर? तो इस नंबर को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा तो हर नंबर 3 बार होगा, हुआ सर? या 4 बार करना है या 5 बार करना है उतना अमर आप लिख के ड्रैग कर। फिर मैंने देखा कि यहां हमारा 40 है, तो अब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे मैनुअली और फिर यहाँ नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ सीरीज जो है हमारा दिख रहा है सीरीज, इसमें हम यहाँ 40 कर देते हैं, तो 1 से 40 तक का सीरियल बना देगा। आप ऐसे मैनुअली ड्रैग भी कर सकते हो लेकिन ड्रैगिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, अब हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है सर? सीरियल नंबर एंड ओके, हो गया सर, जी क्लियर है? मेरा एक डाउट है,
हेलो बोलिए सर। सर, सपोज वो मतलब एक बार थ्री एक बार फोर ऐसा करना है अल्टरनेटिवली बोलने से, तब क्या करना है सर? मतलब अभी हम लोग कि का फ्रीक्वेंसी जो है एवरी 3 रोज को एक इंसर्ट कर रहा है। सपोज मैं थ्री एंड फोर ऐसा डाटा है मेरे पास में, नहीं तो मेरा एस आई डी जो है वन आप टू थ्री। चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पहला थ्री पे हमारा जाए, ये बोल रहे हैं ना, हाँ सर, फिर दूसरा हमारा फोर पे जाए। हाँ फोर फोर डाटा रोस है, उसके बाद एक ब्लैंक इंसर्ट करना। ऐसे बोलो ना, आप पहले थ्री पे इंसर्ट हुआ, दूसरा फोर पे, और तीसरा हाँ सर वही करेक्ट है। अभी आप जो किया था ना वही रिपीटेडली करना है, तो क्या करना है? तो सेम प्रोसेस है सर उसमें भी। मतलब कि आप बोलेंगे पहले मेरा पहली तीन पे हो, फिर दूसरे, फिर हमारा चार पे हो, फिर वापस तीन पे हाँ सर, हाँ पे हो, ये बोले ना हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट सर। सर। इसके लिए सोचना होगा, सोचिए आप लोग। और एक केस है, हाँ सर और एक केस है सर, एसआईडी में सपोज मेरा 1 2 3 4 5 6 है, उसके बाद फिर अगेन रिपीट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 है, ऐसा मेरा डाटा ऐसे कैसे? मेरे प्लांट में एक्चुअली क्या, मेरा एक एक किट में प्रोडक्ट्स आता है, एक किट के लिए 6 स्लैब बनता है, एक देखिए किट देखिए, में सेवन स्लैब एक बनता मिनट एक है, मिनट, अब जैसे कि उसको आप बीच में। एक मिनट सुनिए, ऑटोमेशन कब होता है? ऑटोमेशन एक सीक्वेंस में होता है, ध्यान रखिएगा, चाहे वीवी के थ्रू हो चाहे मैनुअल थ्रू हो। अगर आपका ओके सीक्वेंस है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ रहे ना। ओके आप फैक्ट्री में देखते हैं रोबोट अपना और कर देता है, क्यों? सर फॉर्मूला क्योंकि बन सकता है ना उसका फॉर्मूला सोचना होगा। तो पहले ही देखिए कि सर? एक हाँ सर, जैसे 1 2 3 x अपन ने करा था, 2 + 1 कर दिया था, तो सर 2 + 1 = 2 + 1 नहीं कर सकते हैं? जो आंसर जैसे कि आएगा अब वो आंसर के यहाँ साथ प्लस वन। नहीं, जैसे कि यहाँ इनका कहना है कि पहले 1 2 3 मतलब कि तीन रो ब्लैंक होगा थ्री हमारा। प्रॉब्लम यह है कि हम पहले रो को 3 बार रिपीट करना है, दूसरे को मुझे 4 बार रिपीट करना है, समझ गए? फिर तीसरे को मतलब मान लीजिए कि हर इवन नंबर 4 बार और नंबर 3 बार रिपीट करना है, क्लियर है? हेलो, हर इवेंट नंबर एक बार को दोबारा, एक बार दोबारा बताओ सर, वो जो 3 के गैप का एक बार बताना। 1 2 3 लिखा मैंने, वन वन हाँ, वन मैं वन को वन लिख दिया और इसने प्लस कर हाँ दिया ना, इसलिए ऊपर वाले प्लस 1 कर दिया, नीचे तक ड्रैग कर दिया, हर नंबर हमारा 3 बार रिपीट हो गया। लेकिन जब फॉर्मूला नीचे, ड्रैग कर दिया। ठीक है हाँ नीचे जो हम सही नंबर लिखेंगे वो हर नंबर एक ही बार होगा, इस तरह से, ठीक है? up to 14 है। हाँ, अप टू 14। अब जैसे ये ए उठ के ऊपर जाएगा तो 3 के बाद यहाँ नीचे आएगा ना, ये ब्लैंक यहाँ पे वन, इस तरह से, हाँ ऐसे 2 के बाद इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि हर इवन नंबर ऑड नंबर, सर इसमें सोचना होगा थोड़ा सा सर, अभी तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। सर, इसमें मैं बताऊं कैसे कर सकते हैं? हाँ कैसे, बताइए। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसे कर सकते हैं, 3 बार 1 1 लिखा, तीन बार एक लिखो एक, और 2 लिखो, चार बार 2 लिख दूँ और फिर नीचे पकड़ के ड्रैग कर दूँ, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं अब वो फॉर्मूला लगा दो, 1 के बाद +1 और 2 के बाद। हाँ, चलिए चलिए चलिए, आ गया आ गया। अब सर मैं भी वही बोल रहा था उसमें, नहीं तो फिर दिक्कत हो गया ना सेम। सर, अब यहाँ पे देखा, नहीं अब नहीं सर, प्लस फॉर्मूले में +1 लगा देंगे सर, तो उसके साथ एक एक जोड़ता जाएगा ना वो हमेशा, सर आपने फिर 1 में जैसे लगा दो के दिया, साथ 3 आ गया। अच्छा सर आपने अभी फिर 1 के बाद +1 लगाया, 2 के बाद +2 लगा दो नहीं, आप यहाँ पे बोल, एक मिनट, सर, नहीं हो पाएगा ना सर, उसके आंसर के साथ +1 करना पड़ेगा। नहीं सर, उसके आंसर के साथ +1 करना पड़ेगा, जो भी नहीं आंसर आएगा सर, उसके साथ +1। नहीं हो सर पाएगा। हाँ I5 से I8 तक, हाँ I9 पे आप प्लस वो लगा दो +2, I9 पे फॉर्मूला लगा किस टू पे कर प्लस, दो, किस पे 2 + 2 करूँ? जो आपने वो +1 किया था ना ऊपर। हाँ तो +2 करने पे आपका तो 3 आ गया, चलिए तो 3 हाँ का यहाँ पे आया 3 बार,
का चार आ रहा था, चार चार बड़ा आएगा आपका, चार चार बड़ा आ गया यहाँ पे, पांच पांच तीन बार आ गया। गुड 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 गुड। तो एक बार मैं इसको, नहीं सर इसमें भी प्रॉब्लम है ना, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है, सही आ रहा है बिल्कुल, नहीं तो ये जो पांच ये तीन ही बार आया ना, क्योंकि इसने वन का कॉपी कर लिया ना ऊपर से। हाँ तो पांच तो तीन बार ही आना चाहिए, आउट नंबर की पांच तीन ही बार चाहिए था, मुझे लगा कि पांच को पांच बार करना और छह को छह। नहीं 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 Every odd number will come three times and every even number will come four times. आप करके देख लो, पहला तीन के बाद okay, okay, हाँ, 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 तो फिर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। नहीं मेरा कहना मतलब जैसे एक तीन बार हो गया, दो चार बार, पांच छह बार, ऐसा कर दो, अगर एक एक नंबर प्लस करना हो तो फॉर्मूले में वन प्लस कर देंगे तो आप समझ गए सर प्रॉब्लम सॉल्व। ग्रुप क्लास की यही एक बेनिफिट होती है सुनील जी, हाँ जी ग्रुप क्लास की एक बेनिफिट होती है। हाँ जी मैं अकेले पढ़ा था तो अपने हिसाब से मैं रामायण गीता महाभारत पढ़ा देता हूँ उनको। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब इसमें अगला टॉपिक चलते हैं कि आपके इन सबों का एक तो बेनिफिट है, लेकिन और क्या बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए एक रिपोर्ट हम बनाया करते थे, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास एक रिपोर्ट हुआ करती थी, जैसे कि यहाँ पे हमने पूजा दिया और नीचे तक हम इसको ड्रैग कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट का सेल होता था, और ऐसे मेरे पास मतलब कि 200-300-400-500 ऐसे प्रोडक्ट हुआ करते थे। फिलहाल तो चलो मैं आपको 30 तक ही कर देता हूँ, 30 प्रोडक्ट है, राइट। इसके यहाँ पे सेल्स है, तो इस तरह से डेटा हमारा सेल से डाउनलोड होके आता था, हर सेल्स पर्सन का हर प्रोडक्ट का सेल अलग अलग, इस तरह से एक रिपोर्ट बन के हमें मिला करता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे इस रिपोर्ट का एक और रिपोर्ट तैयार करना था कि मुझे इस पे टारगेट लिखाना होता था, मतलब कि हमें एक रो ब्लैंक ऐड करना होता था और इसके ऊपर परसेंटेज का सैंपल देके हर नंबर को 70 से या एक परसेंटेज वाला नंबर से डिवाइड करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता था। मतलब कि ए प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट की जो सेल है वो 88 है, लेकिन इसका टारगेट 126% सेल हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के जो 100 से ऊपर जो फॉर्मेटिंग है उसको हम लोग ग्रीन कलर करते थे, और जो हमारा 50 से नीचे होता था उसको रेड कलर करते। अब प्रॉब्लम यह आ गया, अब इसमें कई सारे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें इस पे एक एक पे मतलब हर एक सेल पे जाके एक ब्लैंक रो हमें इंसर्ट करना होता था, फिर हमें फॉर्मूला देके ड्रैग करके फिर परसेंटेज लगा के फिर हर एक सेल पे इंडिविजुअली हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना पड़ता था। क्योंकि अगर हमने मान लीजिए कि अगर किसी तरीके से हमने एक एक करके सिलेक्ट करके बना भी लिया तो बाद में कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं दे सकते, क्योंकि हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग सिर्फ इस पे अप्लाई करना है ना कि इस पे अप्लाई करना है नंबर्स पे। क्लियर है? अब इसका सॉल्यूशन देखना है। रवि जी आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं जी समझ नहीं आया। और बेंकर जी आपके पास? नहीं सर। प्रॉब्लम समझे कि नहीं समझे? दोबारा बताना, पूछना। प्रॉब्लम समझे कि नहीं पहले बताइए। मुझे हर एक नंबर हर एक प्रोडक्ट के बाद एक नई एक ब्लैंक रो चाहिए, एक नई ब्लैंक रो, एक ब्लैंक कॉलम, रो नहीं कॉलम को ऐड करना है। कॉलम, हाँ कॉलम चाहिए। उसके बाद परसेंटेज का सिंबल हेडिंग देके या कोई और हेडिंग हो सकती है, और मुझे हर नंबर को एक नंबर से डिवाइड करके नीचे तक ड्रैग करना है, फिर उसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल देना है, और साथ में हमें देना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ग्रेटर देन 50%। फिर कलर क्या हो? तो कलर हो ग्रीन, समझे? और फिर वापस एक और फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, फिर कलर क्या हो? रेड। समझे? मतलब कि जिसने टारगेट का 50% अचीव कर लिया वो थोड़ा वो उसको मतलब वो अचीवर माना जाता है, टारगेट से 50% से नीचे आता है वो रेड होता है,
मतलब कि वो टारगेट का 50 टारगेट से छोटी, उसे टारगेट के 50% भी नहीं कर पाए तो भी कंडीशन वर्डिंग लगाने। तो अगर मैं मैनुअल करने जाऊंगा और जैसे मैंने बताया कि 300-400 कॉलम होते हैं हमारे, तो इसमें हमको लग रहा है कि 2-3 घंटा लग जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए आप लोग अगर इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि क्या है ना क्या सर कि कुछ चीजों में मैं फंसता हूं तो आप लोग जैसे भी मैंने फंसा तो आप लोगों ने बता दिया। अब इसमें बताइए कैसे होंगे, क्योंकि मेरा तरीका तो है लेकिन आप लोगों का भी तरीका जानना चाहूंगा मैं। हो सकता है मेरा आपका तरीका मेरे तरीका से बेटर हो। कैसे करेंगे सुनील जी, रवि जी एंड बाकी और लोग भी है, सबका नाम नहीं बोल रहा मैं। सर इसमें एक तो वैसे ही करेंगे, गैप क्रिएट करेंगे जैसे हमने उसमें पहले वाली शीट में किया था। तो रो हमने रो वाइज किया था ना, हमें तो कॉलम वाइज करना है यहाँ पे। हाँ तो कॉलम वाइज, कॉलम वाइज ड्रैगिंग नहीं होती है सर, कॉलम वाइज सॉर्टिंग, हाँ कॉलम वाइज सॉर्टिंग होती है, वो तरीका मेरा ही हो गया सर। हम करेंगे कि ब्लैंक रो इंसर्ट करेंगे समझे, और यहाँ पे तरीका देख लीजिए, फिर आप लोग अपना तरीका देखिएगा मिला कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको हम ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर दिया नंबर से, फिर इसी नंबर को हम यहाँ पे, और ये जो सॉर्टिंग वाला जो अभी जितना एग्जांपल आपने सब देखा है ना, उस रो वाइज बहुत कम होता है, कॉलम वाइज ही सबसे ज्यादा होता है। हाँ यू राइट, तो ये हमारा कॉलम है हमारा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, सिलेक्ट किया और हमने क्या किया, अरे हाँ इसमें हेडिंग भी डाल देते हैं, जो भी आपका हेडिंग है यहाँ वो डाल दीजिए, जैसे परसेंटेज है ना सर, परसेंटेज डाल दीजिए, डाल दिया। क्या करेंगे पूरे इसको सिलेक्ट करते हैं रो, और फिर हम शॉर्ट में जाएंगे, और याद होगा कल हमने बताया था ऑप्शन में शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, याद है? यस सर, यस सर। हम क्या करेंगे इसको रो वन, रो वन के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करते हैं अपने क्या, हर कॉलम के पास एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया, हो गया ना सर? यस सर। अब एक चीज यहां, अब इसमें एक दिक्कत और भी आ गई, क्या दिक्कत आ गई सर? फॉर्मूला लगाना है सर। नहीं ये जो नेम हमने हमने कल आपको बताया था वो गलती मैं कर दिया, हमने बताया था कि हम हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करते हैं। हाँ हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करते, यस सर। हाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया था, लास्ट में दे दिया। B2 से स्टार्ट करेंगे फिर हम। हाँ अब हो गया, अब मुझे क्या करना है इस सब में फॉर्मूला लगा, एक काम तो हमारा हो गया, दूसरा काम है कि पूरी रेंज में फॉर्मूला लगाना। तो क्या है कि एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि हम एक पर्टिकुलर एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट? अब मैं इस पे कुछ लिखता हूँ, चाहे फॉर्मूला हो चाहे नेट टेक्स्ट हो, अगर हम इस पे एंटर मार देते हैं तो ऊपर डाली होगी नीचे आ जाता है, लेकिन इसमें एंटर के जगह पे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कॉपी करके पूरे सिलेक्टेड एरिया में पेस्ट कर देता है। कॉपी करके एंटर करने पर सर? नहीं नॉर्मल एंटर, कंट्रोल एंटर। अच्छा किया ना आप, अगर एक एरिया सिलेक्ट करेंगे फिर भी आप एक सेल पे टाइप कर सकते हो ना, व्हाइट जो सेल होता है। यस सर, यस सर, टाइप तो कर सकते हो, अगर आपने यस सर एंटर मारा तो यहाँ व्हाइट सेल यहाँ से लेके नीचे की तरफ आ जाएगा। यस सर, एंटर नीचे की तरफ है, लेकिन मुझे यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर की जगह पे क्या करते हैं हम कंट्रोल एंटर करते हैं, तो क्या होगा पूरे जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें कॉपी नंबर फिल हो जाएगा। जी हाँ वो नंबर को कॉपी पेस्ट कर देगा, फॉर्मूला हुआ तो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देगा। तो ओके सर, बात ये कि मुझे जितना ब्लैंक है उसको सिलेक्ट कर लेगा, तो उसके लिए ब्लैंक एंड सिलेक्ट में यहाँ गो टू स्पेशल होता है। गो टू स्पेशल में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है ब्लैंक, देखिए ब्लैंक, यस सर, ओके कीजिए, जितना ब्लैंक था वो सिलेक्ट हो गया। तो अभी कर्सर कहाँ, A1 पे है, तो मैं टैब मारूंगा। ये कहाँ गए थे आप? सर गए थे शॉर्ट पे शायद, है ना सर? नहीं फाइंड पे जाके, फाइंड पे जाके ब्लैंक पे। कंट्रोल जी कर दीजिए सर शॉर्टकट, या फिर फाइंड एंड सिलेक्ट पे गो टू स्पेशल पे जाए। गो टू स्पेशल ब्लैंक।
ठीक है सर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब मैं इसमें टैब मारा, इसमें क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन वो भी हो जाता है सर, वो तो बाद में डिलीट हो जाएगा। हाँ, टैब मारते जाइए, अभी दिक्कत होगी सर आपको, हमारी दिक्कत हो गई। कंट्रोल जी करता हूँ, करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक। अब मैं शिफ्ट टैब करता हूँ, शिफ्ट टैब, ऐसा डेटा, ऐसे अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करें, अपना जितना है उतना ही डेटा सेलेक्ट कर ले, ठीक है सर, और इसको पूरा डेटा, हाँ, कि जो फालतू पूरा डेटा सर, हाँ, फालतू रोज हो रहा है उसको कॉपी करके एक नई सीट पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और कंट्रोल जी स्पेशल। अब आगे सेलेक्ट नहीं हुआ ना सर, टैब मारूंगा तो यहाँ पे नजर आ गया, मेन है कि ये व्हाइट वाले सेल को मुझे यहाँ लाना है, समझे? यस सर। अब मैं इसमें डिवाइड वाई क्या करूंगा, 70, सेवन, मैं यहाँ पे नॉर्मल एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर पेस्ट, ओके, फिर इसमें कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर करेंगे, ठीक है, और फिर परसेंटेज का सिंबल लगा दिया मैंने यहाँ पे, परसेंटेज में आ गया। अब इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है हमें, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ ग्रेटर देन हमने बोल दिया 100% ऊपर है, उस पे हम फॉर्मेट कलर देते हैं ग्रीन का, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे लेस देन 50% इस पे हम कलर देते हैं रेड का, फिर जो एक्स्ट्रा रो वगैरह थे उसको आप डिलीट कर दीजिए, हो गया डेटा आपका, यस सर, समझे? यस सर। और ऐसे ही अगर होता है कि आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपकी आपका जैसे कि क्वांटिटी एमआरपी अमाउंट, क्वांटिटी एमआरपी अमाउंट, क्वांटिटी एमआरपी अमाउंट, इस तरह से भी हो सकते हैं, या भी प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि क्वांटिटी हो एमआरपी हो, क्वांटिटी हो एमआरपी हो, क्वांटिटी हो एमआरपी हो, मुझे टोटल ऐड करने हैं सबके लास्ट में, तो वहां भी इस तरह की चीज यूज कर सकते हो आप। सर ये आपने डबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाई है? एक ही मैंने दो बार लगाई है, वन बाई वन। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया आपको सर? ठीक है सर। और बाकी इसमें रहा आपका ऐसे फिल्टर वगैरह है तो ये कोई खास चीज नहीं है, तो आप जानते ही होंगे सुनील जी, हाँ ये कुछ खास फिल्टर, नॉर्मल जो फिल्टर लगाते हो वही होता है जो आप हमेशा लगाते ही रहते हो। उसके बाद इसमें आपका जो फाइनल सिलेक्ट वगैरह है वो भी आपको पता ही है, कंट्रोल एफ कंट्रोल एच करना, रिप्लेस करना। तो अभी जी हाँ, आप लोगों को अभी मैं पिवट टेबल की कुछ रिकॉर्डिंग्स व्हाट्सएप कर रहा हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा पिवट टेबल है, लेकिन